शहर के मशहूर सिटी न्यूज चैनल पर दैनिक राशिफल देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। कहते हैं कि जीवन में समय का वरदान सभी को मिलता है, लेकिन समय को सार्थक बनाना बहुत कम लोगों को आता है। खासकर जो हमारे पास पैसा आता है वह खर्चे के लिए कभी नहीं आता, बल्कि उस पैसा हमें सम्मान देने के लिए आता है। अगर हम हमारे पैसे को सही सम्मान दे पाए और सबका हक सबको दे पाए तो उसे संपन्नता भी कहा जा सकता है, और उसका फलस्वरूप हमें वैभव और ऐश्वर्य के रूप में दिखाई भी देता है। अन्यथा हमारी संपत्ति हमें सिकुड़ कर रखकर सबसे अलग थलग कर सकती है और एक हमारा विषय आत्मसम्मान से वंचित भी रह सकता है। तो चलो आज हम हमारे समय और धन को सम्मान दे, सार्थक बनाए। आज है दिनांक 20 सितंबर 2020, आश्विन शुक्ल तृतीया है आज, और चतुर्थी भी आज ही आ गई है, रविवार। आज है स्वाति नक्षत्र तुला राशि में आता है यह, और दिन विशेष है आज है विनायक चतुर्थी। विनायक चतुर्थी मतलब विघ्न नाश करने वाली चतुर्थी। विघ्न क्या होते हैं वो आने वाले कार्यक्रम में हम बताएंगे कितने तरह के होते हैं, क्या है। कहते हैं चतुर्थी को चंद्रमा 30 अंश का होता है, और यह 30 अंश पूरे विश्व को व्याप्त किया हुआ है, उसका बहुत बड़ा विज्ञान हमारे इस एक स्वस्तिक वीडियो में हमने दिया हुआ है। तृतीया चतुर्थी का क्या कहना, यह तिथिया वैसे ही एक सम्मान की पात्र, दान के अधिकारी और व्रत उपवास और अनुष्ठान के लिए अपना स्थान बनाए हुए हैं। सभी धर्मों के लोग इसको अपने अपने रीति रिवाज और परंपरा के अनुसार श्रद्धा से एक अमल में लाते भी है। और अभी स्वाति नक्षत्र के बारे में देखा जाए तो सुंदरता का धनी यह नक्षत्र श्रृंगार का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्तियों को आकर्षण, प्रकृति में आकर्षण, समाज और देश में अपना आकर्षण बढ़ाने के लिए इस नक्षत्र का बड़ा योगदान है। कहीं सुंदर फूल खिलने के लिए भी यह नक्षत्र साध्य एक निमित्त मात्र होता है। समुद्र के भीतर भी कुछ रत्नों को और निकालने के लिए, खासकर मोती मूंगा के लिए यह नक्षत्र का चयन किया जाता है। हम लोग अगर आज इस नक्षत्र पर कुछ करें तो खासकर हमने अपने घर की सजावट, अपने प्रिय लोगों के लिए श्रृंगार और किसी को खुश रखने के लिए समर्पण करना बहुत ही हितदायक रहेगा। हो सकता है अपने हाथों से बना हुआ प्यारा भोजन किसी प्यारे व्यक्ति को आज अगर दिल से खिलाए तो आपको रिश्तों में मजबूती दिखाई देंगी, कड़वाहट दूर होंगी, कलह से मुक्ति भी आपको मिल जाएंगी। तो चलो आज के हम भोजन को अन्नपूर्णा का आशीर्वाद साबित कर सकते हैं, इस नक्षत्र का सम्मान भी कर सकते हैं। मुहूर्त के बारे में देखा जाए तो सुबह 11 से 12 बजे तक का बड़ा ही सुंदर मुहूर्त है, दोपहर को 3 बजे से 5 बजे तक और शाम को 7 बजे से 9 बजे तक। जिन्हें टाल मटोल की आदत है, ढकल गाड़ी की आदत है, वह इस समय को तो भी कम से कम सार्थक लगाए और अपने भाग्य को व्यर्थ न गवाए। इसमें किए हुए कर्म आपको निश्चित ही लाभ, परिपूर्णता और अपने गुणों का वर्धन करने के लिए सहायक रहेगी। इसके बाद देख लेते हैं कि आज इस नक्षत्र पर जिन जिन बालकों ने जन्म लिया हो उनको हमारा आशीर्वाद, और जिनका जिनका जन्मदिन हो उनको हमारे सिटी न्यूज चैनल परिवार की ओर से शुभकामनाएं, और बालकों के माता पिता को भी हमारा प्रणाम और आपका अभिनंदन भी। अब देख लेते हैं आज के दिन पूछे हुए एक दर्शक का महत्वपूर्ण प्रश्न। मानाकुरुम के एक गृहिणी है सौभाग्यवती प्रीतिताई मनोहर राव जी आखरे, और इन्होंने पूछा है कि पंडित जी कि यह शत्रु नाश कैसे होता है। देखिए शत्रुता बड़ा ही गहन विषय है। एक तो हमारी जीभ के 32 दांत शत्रु है, फिर हमारा मन हमारा शत्रु, फिर हमारे घर में हमारा प्रिय व्यक्ति भी थोड़ा बहुत शत्रु, फिर हमारे मोहल्ले में एक शत्रु, गाँव में एक शत्रु, हर जगह पर एक शत्रु का निवास, एक प्रकृति की व्यवस्था जो ऐसी है। कुल मिला के हमारे 32 तरह के शत्रु होते हैं। इसके अलावा भी कुछ शरीर के शत्रु होते हैं जो व्याधियाँ हमारे मन का खच्चीकरण करती है।
कुछ आत्मा के शत्रु होते हैं, हमारे विकास में रुकावटें बनती है मर्यादा बनकर। कुछ हमारे ज्ञान के शत्रु होते हैं, विचारधन और भाषा के अभाव में हमें भावनाओं को प्रस्तुत करने में मदद नहीं करते। और कुछ हमारे प्रतिष्ठा के भी शत्रु होते हैं, जो हमारे अहंकार की वजह से हमें सहज जीवन जीने से वंचित रख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई व्यक्ति आपका शत्रु हो तो वो तो बेचारा कोई दुर्गुण अपना छोड़ने को तैयार नहीं, तो अपने हमने अपना सद्गुण क्यों छोड़ना, यहाँ पे पहले निपटारा कर सकते हैं। फिर वो तो बेचारा ईमानदार है, कुछ बोल रहा है, लेकिन पश्चिंती वैखरी परा और अपरा, वो बोलेगा सिर्फ शब्दों से, फिर भी हमारे पास तीन वाणी है, उससे हम उसके साथ वार्तालाप कर सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा बहुत तकलीफ दे रहा है, बहुत ही पीड़ा दे रहा है, तो उसके नाम का 3 दिन का उपवास कीजिएगा, उसके नाम का मुंडन कीजिएगा और नदी पर जाकर उसके नाम का तर्पण पिंडदान कराइएगा। शत्रु का समूल नाश होगा और अपने जीवन में शत्रुता भूल जाएगा। चलो प्रीतिताई, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा, आपका स्वागत, आपका अभिनंदन, सिटी न्यूज चैनल परिवार की ओर से आपका धन्यवाद भी। अब देख लेते हैं एक दर्शक का भविष्य। दर्शक का नाम है श्री प्रवीण जी उदासी, साई नगर निवासी है, अमरावती के सॉफ्ट विजन कंप्यूटर के संचालक है, एक ही बहुत ही सुंदर मनभावन व्यक्तित्व, कृपालु क्षमाशील और मेहनती व्यक्ति। बाल संगोपन और कंप्यूटर इनके मनपसंद विषय, दिन भर अध्ययन रत रहना और सभी विद्यार्थियों का अपना समझकर उनको मार्गदर्शन करना, कई विद्यार्थियों में कंप्यूटर का शुरू से लेकर आखिर तक जो भी हो उपलब्ध वो ज्ञान इनसे प्राप्त किया है। इनके इंस्टीट्यूट में हर तरह का कंप्यूटर संबंधित कोर्सेस उपलब्ध है। आपने जो हमको भविष्य पूछा है प्रवीण जी, कि भी ये जो कोरोना काल है इसमें अभी हमारा भविष्य कैसा रहेगा। देखो, कोरोना पर्व काल जो है यह तो समाप्त होने वाला है ही नहीं। कोरोना एक कोने में रह के हमारे तरफ टक टक देखते ही रहने वाला है कि मैं हूँ ना। अब उसका डर लेके जीना या उसको हाथ जोड़ के जीना, यह हमारे हाथ में है। हम चाहते हैं कि जिसने सारे विश्व को एक अलर्ट पर रखा है उसके शरण में रहना अच्छा है, उसे डर के रहना अच्छा है। बस मुँह पर पट्टी बांधना, हाथ साफ रखना, हमको आदत डाली हुई है। अतः दूसरी बात, हमने हमारे कोई भी कार्यकलाप रोकने नहीं चाहिए। अगर हम इसके वजह से हमारी ज़िंदगी को रोक दे, हमारे जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय को रोक दे, तो ये उचित नहीं है। इसको बहाना न, इसके वजह से बहाना बनाकर जीवन के अनमोल समय को टाल मटोल करना कभी भी हितदायक नहीं है। आप अपने महत्वपूर्ण कार्य के लिए आगे बढ़े, आपका मकान बनाए, आपका प्रतिष्ठान बढ़ाए, आपको हर कार्य में सफलता अर्जित होगी, आपका भविष्य उज्ज्वल है, स्वास्थ्य भी आपका सुंदर रहेगा, आपका परिवार भी आपको बहुत चाहेगा। आने वाले दिनों में आपको आपके समाज की ओर से कोई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी प्राप्त हो सकता है, सम्मान भी प्राप्त हो सकता है, रिश्तेदारों का आपको प्रेम बना रहेगा। हमारी भी आपको आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आपने सिटी न्यूज चैनल पर हमसे पूछा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी। इसके बाद देख लेते हैं कैसी रहेंगी 12 राशियाँ आज सभी राशियों के लिए। मेष राशि, मेष राशि के लोग अपने बचपना छोड़ने को तैयार नहीं है, बहानेबाजी ताल मटोल में दिन व्यतीत करने की आदत पड़ी हुई है, आलस से लापरवाही आपके लिए बहुत नुकसानदायक। वृषभ राशि के व्यक्तियों में बहुत उत्साह आ चुका है, वे अध्ययन का, पढ़ाई का, कुछ जीवन में हासिल करने का मनसूबा बना हुआ है और यही गति बनी रहे तो पता नहीं क्या हासिल करेंगे आप, बहुत कुछ। मिथुन राशि के लोगों को आज अपने नौकरी में ज़रूरत से ज़्यादा काम की वजह से टेंशन महसूस होगा, तनाव महसूस होगा, बड़ों की मर्जी को रखना और उनके आदेशों का पालन करना मन को दुखी करेगा। सिंह राशि, कर्क राशि के लोगों को अपने अकेलेपन की पीड़ा बहुत सताएंगी, एक तरफ उम्र और दूसरी तरफ पुराने अनुभव और दूसरी तरफ है कि अपने स्वभाव का असहयोग, मनस्थिति थोड़ी खराब रहेंगी आपकी। सिंह राशि के लोगों को अपने किसी भी शॉर्टकट प्लानिंग में सफलता मिलने वाले है ही नहीं और कोई भी उल्टे सीधे काम करना फायदेकारक नहीं है, जल्दी अमीर बनने का सपना नुकसानदायक है।
कन्या राशि, कन्या राशि के लोगों को एक तरफ अपना बच्चा और दूसरी तरफ अपनी ज़िंदगी, अब दोनों ही एक समस्या बनी हुई है। और परिवार का आधार लेकर जीना तो कब तक जीना। अपना व्यक्तित्व पर निखार लाने के लिए मन एक आपको मजबूर करेगा। तुला राशि, तुला राशि की सहेलियों को, अपने सुखी सहेलियों को देखकर बहुत ही दुख महसूस होगा, जलन महसूस होगी कि सबका भाग्य एक जैसा नहीं होता, लेकिन समय कभी ना कभी सबको मिलता ही है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लोग अपने बुरी आदतों के शिकार की वजह से बहुत पीड़ित रहेंगे, कभी जान न दे दूँ ऐसा भी मन में ख्याल आ जाएगा, और दूसरी तरफ भाग्योदय की चिंता अधूरापन भी बना के रख सकती है। धनु राशि, धनु राशि के लोगों को बस अब क्या है, जो परिस्थिति है उसको लेकर चलना है, इसके ऊपर कुछ कर भी नहीं सकते। स्वतंत्रता तो गई, व्यवहार भी गया, अब क्या रह गया, बस अपने जान को जिंदा रखे, यही आपके सामने आह्वान रहेगा। मकर राशि, मकर राशि के लोगों को और संतान प्राप्ति का योग प्राप्त हो जाएगा, संसार का सुख बहुत मस्त मिलेगा, बरकत जीवन में संपन्नता से श्रेष्ठ है, यह ध्यान में भी आ जाएगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लोग कहीं दूर अकेले घूमने जाने की योजना बनाएंगे, किसी रिश्तेदार को मिलने की इच्छा हो जाएगी, और किसी के बहाने मन की एक कोई गुप्त इच्छाएं पूर्ण भी होंगी। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लोगों को किसी की सेवा में बने रहना पड़ेगा, अस्पताल में जाना पड़ेगा, और वहाँ पे बहुत बुरे बुरे अनुभव भी आएंगे, लेकिन चुपचाप रह के सब सहना भी पड़ेगा। मीन राशि, मीन राशि के लोगों को आज दूसरों का दुख देख के अपना दुख भूल जाएंगे आप। मैं ही अकेली दुखी नहीं हूँ, मैं ही अकेला दुखी नहीं हूँ, सारी दुनिया दुखी है, मेरे जैसे कई दुखी है, ऐसा जानकर समाधान प्राप्त होगा। चलो यहाँ पर 12 राशियों का भविष्य कथन समाप्त करते हैं। आप भी दर्शक, शुभ दर्शक बनकर इस कार्यक्रम में अपना महत्वपूर्ण प्रश्न और भविष्य जान सकते हो, वह भी इस नीचे दिए हुए नंबर पर आपका संपूर्ण नाम और जन्मतिथि भेज कर। मैं प्रकाश वाघ आप सभी दर्शकों से लेता हूँ अलविदा। देखते रहेगा सिटी न्यूज चैनल और आपका महत्वपूर्ण कार्यक्रम दैनिक राशिफल। कल होंगे आपसे फिर मुलाकात, इसी वक्त इसी समय। हरिओम तत्सत।